तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और भाई साहब आज हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा वी नंबर क्या होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये आपका लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। देखो, चीज़ों को मैं जितना ज़्यादा कंसाइज कर सकता था उतना ज़्यादा कंसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूट्यूब है भैया, यहाँ पर आपने पैसे नहीं दिए, यहाँ पे आपने पैसे नहीं दिए, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी ऐसी हो जाती है कि भैया आपने पैसे नहीं दिए हैं तो ये चीज़ उसके वर्थ इट नहीं होगी। ये सबकॉन्शियसली होता है, आप जानबूझ के नहीं सोच रहे होते हैं, लेकिन आपका दिमाग आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, ठीक है। इसलिए हम इसको जितना कंसाइज हो सके उतना कंसाइज रख रहे हैं। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है शायद वो मैं थोड़ी सी मिस भी कर रहा हूँगा, लेकिन क्यों कर रहा हूँ, ताकि चीज़ें लंबी ना हो जाए और ताकि आपको जितनी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उतनी आप तक पहुँच जाए, ठीक है। जितनी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इवन आप टॉप भी मारना चाहो तो टॉप भी कर सको, ठीक है। उस हिसाब से हम चीज़ों को लेके चलेंगे। रही बात न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स शायद मैं उतने ज़्यादा इसलिए नहीं करा रहा हूँगा, मैं करा रहा हूँ जितने रिक्वायर्ड है, लेकिन उतने नहीं करा रहा हूँ जितने आपको ओवरवेलमिंग लगने लगे। भैया न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आते हैं जहाँ पे आपके वी नंबर हो गए, न्यूमेरिकल अपर्चर हो गया, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो गया, या मैं बात करूँ एक्सेप्टेंस एंगल हो गया, इन सब के फॉर्मूलाज को डायरेक्टली यूज करके हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वही सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चंस आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इतना आपका होमवर्क है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि भैया वो फॉर्मूलाज आए कहाँ से, क्या है डेरिवेशन उनकी, क्या है थ्योरी उनकी, क्या कॉन्सेप्ट है उनके पीछे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना ज़्यादा प्रेफर करूँगा। अगर क्वेश्चंस टफ होते मैं बेहोश क्या मैं कहूँ कि एकदम अच्छे से आपको वो चीज़ बताता। चलिए अब शुरू करते हैं, ज्ञान बहुत ज़्यादा हो गया भैया, आज थोड़ा सा ज़रूरी भी था, लास्ट टॉपिक है, लास्ट वीडियो है, तो अच्छे तरीके से चैप्टर को एंड करते हैं। भैया ये हमारा हो गया वी नंबर। वी नंबर क्या कहता है, वी नंबर क्या कहता है, तो भैया अगर मैं बात करूं वी नंबर की, तो भैया वी नंबर, जो वी नंबर है वो एक ऐसा पैरामीटर है, वो एक ऐसा पैरामीटर है जिसे हम नॉर्मलाइज्ड फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, या कट ऑफ फ्रिक्वेंसी भी, या फिर कट ऑफ नंबर भी शायद कहते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा पैरामीटर है जो डिफाइन करता है कि भैया हमारे फाइबर के अंदर कितने नंबर ऑफ, या मैं कहूँ कितने नंबर ऑफ मोड्स है, भैया कितने नंबर ऑफ मोड्स उसके अंदर प्रोपगेट कर सकते हैं। किस तरीके से ये निकाला जाता है भैया, एक इसका स्पेसिफिक रिलेशन होता है, जैसा न्यूमेरिकल अपर्चर का एक स्पेसिफिक रिलेशन होता था, भैया इसका भी एक स्पेसिफिक रिलेशन होता है। उस रिलेशन के अंदर चार चीज़ें होती हैं। कौन सी चीज़ें भैया? सबसे पहला होता है रेडियस, रेडियस ऑफ द कोर। क्या भैया? रेडियस ऑफ द कोर। अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोड्स की, तो नंबर ऑफ मोड्स हम कैसे डिफाइन करते थे भैया? अगर हमारा सिंगल मोड फाइबर है तो वहां सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल मोड जाती थी, लेकिन क्या वहां हमने सबसे एक प्रोमिनेंट चीज अंदाजी कि भैया जो उसका कोर का डायमीटर होता था वो बहुत छोटा होता था? क्या डायरेक्टली नंबर ऑफ मोड्स हमारा रेडियस, या मैं कहूं डायमीटर ऑफ द कोर पे डिपेंड कर रहा है? हाँ जी भैया, कर रहा है, ठीक। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं मल्टी मोड फाइबर की, तो जितना ज्यादा उसका रेडियस बढ़ता जाता था उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोड्स बढ़ते जाते थे। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? तो भैया अगर मैं बात करूं वी नंबर की, जो कि एक पैरामीटर है, जो कि एक पैरामीटर है, क्या बताता है कि भैया कितने नंबर ऑफ मोड्स उसमें प्रोपोगेट कर सकते हैं, हम नंबर ऑफ मोड्स वी नंबर से निकालते हैं, ठीक है। ये अगर ऐसा कुछ बताता है तो क्या ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा रेडियस ऑफ द कोर से? हाँ जी भैया, रेडियस ऑफ द कोर से रिलेटेड होगा। तो क्या हो गया, एक पैरामीटर हमारा रेडियस हो जाता है। दूसरी चीज कि भैया हमारा कोर और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो हर जगह यूज आता है, वो हमारे न्यूमेरिकल अपर्चर में भी यूज आता है और वी नंबर में भी आएगा। तो यहाँ पे डाल दो भैया N1 और N2। क्या है भैया ये? म्यू वन म्यू टू भी अपन लिख सकते हैं। तीसरी चीज क्या काम में आएगी भैया? तीसरी चीज काम में आएगी हमारा लैम्डा। लैम्डा क्या है? लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग द ऑप्टिकल फाइबर केबल। इन चार चीजों को यूज करके हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, एक एक्सप्रेशन हमें मिलता है, डिराइव नहीं करते, इसकी डेरिवेशन नहीं पूछी जाती RGPB एग्जाम में, लेकिन ये एक्सप्रेशन हमारी किताबों में दिया गया है। इसकी डेरिवेशन शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपके काम में नहीं होगी, इस वजह से नहीं बताया गया, लेकिन सिंपली हमें उस चीज़ को, उस फॉर्मूले को ऐसे याद रखना है कि भैया ये चार चीज़ों का रिलेशन मिलके हमें उस फॉर्मूले में दिखता है। तो भैया हमें समझ में आ गया कि वी नंबर होता है एक पैरामीटर थ्रू विच वी डिफाइन नंबर ऑफ मोड्स, या फिर वी गेट नंबर ऑफ मोड्स। ये कैसे होता है वीडियो में आगे देखने वाले हैं, तब तक के लिए भैया थोड़ा थियोरी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है।
भैया हमारा वी नंबर की बात करूं, वी नंबर ऑल्सो नोन एज नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी पैरामीटर और कट ऑफ पैरामीटर। भैया इसको वी नंबर को क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी पैरामीटर और साथ ही साथ कट ऑफ पैरामीटर भी कहा जाता है, जो कि एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, कोई भी डायमेंशन इसका नहीं होता, डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी होती है, क्वांटिटी होती है। यूज टू कैरेक्टराइज मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। मल्टी मोड क्यों बोला गया भैया, सिंगल मोड में तो हमें पता है सिर्फ एक ही नंबर ऑफ मोड रहेगा, तो क्या उसके लिए हमें वी नंबर फाइंड करना जरूरी है? नहीं, हमें मल्टी मोड फाइबर्स में कितने नंबर ऑफ मोड्स निकल के आएंगे वो चीज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, जहां पे वी नंबर का यूज होता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। द वी नंबर हेल्प्स डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोड्स ऑफ द फाइबर। ये भैया कितने नंबर ऑफ मोड्स से, कितने नंबर ऑफ मोड्स से हमारी जो लाइट रे है उसके वेव्स प्रोपगेट कर सकते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, ये दो पॉइंट हमें क्लियर हो चुके हैं। अ हायर वी नंबर, ये अगर जब हमारा वी नंबर हायर होता है इंडिकेट्स अ लार्जर कोर डायमीटर। क्या भैया, मैंने क्या बताया था, जो हमारा वी नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भैया आर से। तो अगर हमारा रेडियस, या मैं कहूं जो कोर का डायमीटर है भैया, 2R कितना होता है, डायमीटर के बराबर होता है। तो जो हमारा रेडियस है और डायमीटर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भैया, वी नंबर के। तो अगर वी नंबर बड़ा होगा तो क्या हमारा डायमीटर बड़ा होगा? हाँ जी भैया, बड़ा होगा। या मैं कहूं कि अगर लार्जर कोर डायमीटर है, अगर कोर का डायमीटर बड़ा है, क्या इंडिकेट करता है कि भैया हमारा वी नंबर भी बड़ा होगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। रिलेटिव टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या भैया, वेवलेंथ मैंने बताया था लैम्डा के भी रिलेशन में होता है, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। रिजल्टिंग इन मोर सपोर्टेड मोड्स ऑफ प्रोपगेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं कन्वर्सली, मतलब इसी के जस्ट अपोजिट, अ लोअर वी नंबर इंडिकेट्स अ स्मॉलर कोर डायमीटर। थोड़ा सा वही वाली चीज हो गई कि अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको कम करेंगे तो साथ ही साथ ये भी कम हो जाएगा, ठीक है। इंडिकेट्स अ स्मॉलर कोर डायमीटर रिलेटिव टू द वेवलेंथ सपोर्टिव फ्यूअर मोड्स, मतलब कि इसमें कम मोड्स ऑफ प्रोपोगेशन होंगे, जिसमें हम लास्ट एंड में कब पहुंच जाते हैं कि भैया कम करते करते हम इतना कम कर दिए कि वो सिंगल मोड फाइबर बन गया। वहां पे क्या होगा, सबसे लोवेस्ट मोड्स रह जाएंगे। लोवेस्ट कितना भैया, इक्विवेलेंट टू 1। ये चीज नोट जरूर कर लेना, ठीक है, ये चीज नोट आप कर लोगे। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा हम देख लेते हैं भैया, द वी नंबर एस्टेब्लिशेस द कोरिलेशन अमंग द कोर्स रेडियस। क्या क्या भैया, सबसे पहले रेडियस होता है, कौन कौन से टर्म्स हम वी नंबर को आइडेंटिफाई करने में यूज करते हैं, या कौन कौन से टर्म्स को अपन यहाँ पे कोरिलेशन में यूज करते हैं। मतलब वी नंबर जो होता है वो किसके रिलेटेड होता है भैया, रेडियस के, n1 के, n2 के, और एक और होता था भैया लैम्डा के। ये चीजें मैंने बताई अभी, है ना। सेम चीज यहाँ पे लिखी हुई है, द वी नंबर एस्टेब्लिशेस द कोरिलेशन अमंग द कोर्स रेडियस जो कि है आर, द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस n1 एंड n2 ऑफ द कोर एंड क्लैडिंग मटेरियल्स रिस्पेक्टिवली एंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट प्रोपगेटिंग विद इन द ऑप्टिकल फाइबर केबल। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई भैया, इस चीज को भी नोट कर लो। और इसका रिलेशन कुछ इस तरीके से दिया जाता है, भैया कुछ इस तरीके से दिया जाता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है कि जो हमारा ये फॉर्मूले के डेरिवेशन के पीछे हमें नहीं भागना है, ना ही एग्जाम में ये चीज पूछी जाएगी और ना ही आपके किताबों में दिया गया है। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना दिया है कि भैया वी नंबर जो होता है वो कुछ ऐसा सा रिलेशन होता है, जिसमें हमने कौन कौन सी चीजें यूज करी भैया, एक तो आर यूज किया है, हमने n1 यूज किया है जो कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हमने n2 यूज किया है जो कि क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और साथ ही साथ हमने लैम्डा यूज किया है। हाँ जी भैया, इतना किया है, इसको नोट करो। उसके बाद हम थोड़ी सी डेरिवेशन में आगे बढ़ते हैं और इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करते हैं। क्या करते हैं भैया, मॉडिफाई करते हैं। अब अगर मैं बात करूं इस टर्म की, तो भैया इसको कर दो नंबर 1। क्या हो गया भैया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब गौर से देखो, क्या भैया ये जो अंडर रूट n1 square माइनस n2 square है, क्या ये हमारा भैया न्यूमेरिकल अपर्चर है? हाँ जी भैया, न्यूमेरिकल अपर्चर है। तो इसकी जगह पे न्यूमेरिकल अपर्चर लिख दोगे क्या, 2πr(na) डिवाइडेड बाय लैम्डा। क्या भैया, ये हो जाएगा हमारा वी नंबर 2πr, ठीक है, na, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा लैम्डा। क्या हमें पता है कि भैया जो na की वैल्यू होती है वो कितनी होती है भैया? भैया वो होती है कितनी, μ1√2δ। यार बहुत सारे लोग कंफ्यूज मत होना, मैंने कहीं जगह पे μ1 कर दिया, कहीं जगह n1 कर दिया है, मेरी भी गलती है, ठीक है। तो ये जो हमारा μ1 है इज इक्वल टू n1 है, और जो हमारा n2 है, ठीक है, वो हमारा μ2 है।
दोनों यार कुल मिला के ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर वाला कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये सेकंड नंबर वाला हो गया हमारा क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतने समझदार आप हो, ठीक है, इतने समझदार आप हो। सेम चीज को जो हमारा देखो यार, हमारे NA के दो फॉर्मूलाज होते थे, कौन सा पहला होता था भैया, μ1² - μ2² और अंडर रूट, ठीक है। दूसरा होता था भैया कौन सा, ये वाला। हमने क्या किया, यहां से पहले NA रखा, हमने यहां से पहले NA रखा उसकी जगह पे, उसके बाद हमने NA की जगह क्या लिख दिया भैया, ये लिख दिया, क्या लिख दिया भैया, ये लिख दिया क्या, μ1√2δ, ठीक है। यहां हमें क्या डेल्टा पता है क्या होता है, हाँ जी भैया पता है कि जो हमारा डेल्टा है वो क्या है भैया, फ्रैक्शनल, क्या है भैया, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज, क्या है भैया, फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज। ये चीज आपको नहीं समझ में आ रही होगी अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई, हाँ जी ये समझ में आ चुकी है। तो वी नंबर का एक ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, क्या है भैया, इधर कुछ भी नहीं है, वो फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है। इतना बढ़ने के बाद एक चीज आप जान लो कि वी नंबर अगर लेस है, ठीक है, और इक्वल टू 2.405 है, अगर वी नंबर की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें इक्वल टू और लेस देन 2.405 मिल जाता है, देन द फाइबर इज सिंगल मोड फाइबर। क्या भैया, सिंगल मोड फाइबर है वो। हमें अभी तक क्या समझा था कि भैया वी नंबर हमारा किस लिए होता है, नंबर ऑफ मोड्स को डिफाइन करने के लिए होता है। क्या यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोड्स डिफाइन कर रहे हैं, हाँ जी भैया, अगर हमारा वी नंबर कैलकुलेट करने के बाद 2.405 के बराबर आ जाता है या उसके कम आ जाता है, उस केस में क्या होगा भैया, हमारा जो फाइबर है वो सिंगल मोड फाइबर है। ठीक उसी के अपोजिट अगर हमारा जो वी नंबर है वो 2.405 से अधिक निकल कर आता है, उस केस में हमारा जो फाइबर होगा वो मल्टी मोड फाइबर होगा। यहीं पर नंबर ऑफ मोड्स निकालने के दो फॉर्मूला होते हैं भैया, फॉर स्टेप इंडेक्स MMF कुछ और होता है, MMF क्या होता है भैया, मल्टी मोड फाइबर होता है, फॉर ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर कुछ और फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस चीज को नोट करो, उसके बाद मैं फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। अगर मैं बात करूं भैया नंबर ऑफ मोड्स इन स्टेप इंडेक्स MMF, तो ये हो जाता है कितना भैया, V² एक सेकेंड इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं अपन, यहाँ पे हो जाता है N नंबर इज इक्वल टू, ये नंबर मैंने बस इतना लिखा हुआ, नंबर ऑफ मोड्स प्रॉपर लिखना कॉपी में, ठीक है। फॉर स्टेप इंडेक्स MMF कितना हो जाता है भैया, भैया V² / 2 हो जाता है। अगर मैं बात करूं भैया ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर के लिए, तो यही नंबर हो जाता है कितना, V² / 4। कुल मिला के जितना भी आपका वी नंबर आया, ये डिवाइड नहीं है, इसको कई लोग शायद इस चीज से भी कंफ्यूज करेंगे और बोलेंगे कि भैया आप तो बहुत गंदा पढ़ाते हो, तो ठीक है। अगर मैं बात करूं भैया मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की, तो उसका वी नंबर जो, या मैं कहूं नंबर ऑफ मोड्स कितने होते हैं भैया, वी नंबर जो भी निकला है उसको स्क्वायर करो, डिवाइडेड बाय 4 कर दो, हमको आपका ये मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भैया, नंबर ऑफ मोड्स इन द ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर मिल जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर में नंबर ऑफ मोड्स कितने होते हैं, तो वो होते हैं भैया V² / 2। कितने होते हैं भैया, V² / 2। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई, हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते ही हमें मिल जाते हैं भैया कुछ क्वेश्चंस, क्या मिल जाते हैं भैया कुछ क्वेश्चंस। सिंगल मोड, या मैं कहूँ ये स्टेप इंडेक्स है, ये है SI, क्या है भैया स्टेप इंडेक्स, क्या है भैया स्टेप इंडेक्स। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला गएगा भैया, नंबर ऑफ मोड्स कितने होंगे, V² / 2 होंगे, कितने होंगे भैया, V² / 2 होंगे। तो आगे N, यहाँ पे N नहीं लगेगा एडिटर महाशय, गलत हुआ आप, सिंगल स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिकल फाइबर ऑफ डायमीटर 55 माइक्रोमीटर हैज ए न्यूमेरिकल अपर्चर ऑफ 0.23, ठीक है, इफ द वेवलेंथ ऑफ इनपुट लाइट 0.82 माइक्रोमीटर डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोड्स ऑफ द केबल। यहां पे हमें क्या क्या चीजें दी हुई है भैया, पहले तो डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना 55 माइक्रोमीटर, ठीक है, डायमीटर कितना है भैया 55 माइक्रोमीटर है। दूसरी तरफ हमें न्यूमेरिकल अपर्चर कितना दिया हुआ है, अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकल अपर्चर की, तो कितना दिया हुआ है भैया 0.23 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ भैया 0.23 दिया हुआ है, 0.23 यहां डाल दिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं लैम्डा जो कि हमारा वेवलेंथ, वो कितना दिया हुआ है भैया 0.82 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भैया 0.82 माइक्रोमीटर्स दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं भैया वी नंबर के, सबसे पहले वी नंबर निकालेंगे, उसके बाद हम अपना नंबर ऑफ मोड्स निकाल रहे होंगे। अगर मैं बात करूं यहां वी नंबर की, तो भैया वो कितना होगा 2πr, ठीक है, NA और डिवाइडेड बाय में लैम्डा। क्या ये फॉर्मूला हमने अभी जस्ट देखा है कि ये कैसे आया हुआ है,
अगर नहीं देखा, देखा सा लग रहा है भैया कॉपी पलटाओ, कॉपी पलटा के देखो। क्या हमें पता है कि जो हमारा डायमीटर रहता है भैया वो 2R होता है? क्या हमें पता है कि जो हमारा डायमीटर रहता है, यहाँ 2 हटा दो, ठीक है, क्या हमारा जो डायमीटर रहता है वो 2R के बराबर रहता है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे R है भैया, यहाँ कर दो लैम्डा डी एन ए और डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। क्या हो गया भैया? वेवलेंथ। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। सीधा सीधा यहाँ पे हम क्या करेंगे भैया? सारे नंबर्स को पुट कर देंगे। क्या करेंगे भैया? सारे नंबर्स को पुट कर देंगे। किस तरीके से? ये हो गया हमारा लैम्डा। डी की वैल्यू कितनी भैया? 55 माइक्रोमीटर आ रही है, 55। एन ए की वैल्यू कितनी? 0.23 आ रही है, 0.23 आ रही है, डिवाइडेड बाय 0.82 माइक्रोमीटर। कितना भैया? 0.82 माइक्रोमीटर। क्या यहाँ पे मैंने सही किया? नहीं भैया, यहाँ पे मैंने सही नहीं किया है। भैया सही किस तरीके से नहीं किया है? ध्यान यहाँ पे देना है, ये गलती मैंने जानबूझ के करी है, ताकि ये जब टोका टाकी हो ना, तो भैया हमें इतनी चीज में याद ध्यान रहे कि कोई भी वैल्यू जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, मैं सिर्फ और सिर्फ वी नंबर या नंबर ऑफ मोड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं न्यूमेरिकल अपर्चर भी निकाल रहा हूँ, अगर मैं एक्सेप्टेंस एंगल भी निकाल रहा हूँ, वहां पर अगर कोई भी वैल्यू माइक्रोमीटर्स में दी हुई है, अगर कोई भी वैल्यू माइक्रोमीटर्स में दी हुई है, तो उसमें क्या करेंगे? 10^-6 मल्टीप्लाई करेंगे। भैया जैसे ही इसमें हमने 10^-6 को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? हमारी मीटर्स में आ जाएगी। किस में आ जाएगी भैया? मीटर्स में आ जाएगी। अब अगर अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं भी करते तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि जो हमारा वी नंबर होता है वो डायमेंशनलेस होता है। यहाँ पे जो माइक्रोमीटर रहा, यहाँ पे जो माइक्रोमीटर रहा, मतलब कि अगर हम यहाँ पे 10^-6 को मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, साथ ही साथ नीचे भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी कहाँ गई? लैम्डा भी हमारा माइक्रोमीटर्स के टर्म्स में दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्टीमेटली ये दोनों चीज़ें कट जानी है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भैया सबसे पहले हमें माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करना है, उसके बाद हम करेंगे। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको चेंज नहीं करते हैं, और यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो टीचर है वो स्टेप्स में मार्किंग काट दे, भले ही आपका आंसर सही पे आ रहा हो। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे, ये तो ऑटोमेटिकली कट गया यार, ये मैंने आपको बस समझाने के लिए बना दिया था, हालांकि लिखे रहने दो। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका वी नंबर निकल के आ जाएगा। भैया वी नंबर कितना निकल के आ रहा है, ये चीज़ आप निकाल लेना। अब अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ मोड्स की, तो पहले इसको नोट करो, उसके बाद अगले पेज में निकालते हैं। अब इतना कैलकुलेट करने के बाद अगर वी नंबर निकालोगे, तो वी नंबर कुछ 48.5 समथिंग कुछ निकलेगा, जो कि डायमेंशनलेस है, तो कोई भी SI यूनिट वहां पे नहीं लग रही होगी। अब भैया नंबर ऑफ मोड्स का फॉर्मूला जब आप लगाओगे फॉर कौन सा भैया? स्टेप इंडेक्स MMF। जब स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर के लिए मोड्स का फॉर्मूला लगाओगे, तो क्या आएगा भैया? v square डिवाइडेड बाय 2। ये कितना हो जाएगा भैया? 48.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये कितना निकल के आ रहा है भैया? ये कितना निकल के आ रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं, 48.2 होल स्क्वायर भैया, ये आ गया कितना? ये आ गया समथिंग, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा इरेज कर दो, गंदा लग रहा है। ये आ जाएगा भैया समथिंग कितना? 2323.24, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। कितना आ गया भैया ये? अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करें, 2323.24 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा भैया कितना? 1161.62 आएगा। तो इसको 62 को तुम इग्नोर कर सकते हो, और यहाँ पे सीधा सीधा लिख दोगे क्या भैया? 1162। कितना भैया? 1162। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई भैया? ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्या हो गया भैया? ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। मेरा मकसद यहाँ क्वेश्चन कराना नहीं है, मेरा मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे समझ जाए। भैया अगर एग्जाम में वैल्यूज इधर उधर भी हो जाती हैं, अगर हमारा कुछ हिसाब किताब इधर उधर भी हो जाता, भैया पूछना तो नंबर ऑफ मोड्स था, सिर्फ और सिर्फ वी नंबर पूछ दिया, या पूछना हमें तो आता वी नंबर बस है, एक छोटा सा फॉर्मूला और याद है तो नंबर ऑफ मोड्स भी निकाल लोगे। क्वेश्चन को कैसा भी घुमाए, अगर हमें फॉर्मूलाज पे कमांड है, अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमने डेरिवेशन करी है, तो भैया कोई भी हमें रोक नहीं सकता है। कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, कोई हमें नहीं रोक सकता। इस वीडियो में हमने डेरिवेशन नहीं देखी, हालांकि कॉन्सेप्ट देखा वी नंबर क्या होता है, ठीक है, हमने थोड़ी सी क्वेश्चन देखे, नंबर ऑफ मोड्स कैसे निकालते हैं, वो सारी चीज़ें देखी। अब ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, मे भी हो सकता है इक्का दुक्का अगर कोई टॉपिक छूट गया होगा तो मैं देख के अगले वीडियो उस पर बना दूंगा, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद कोई टॉपिक नहीं बचा हुआ है, तो वही अब वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली वीडियो से शायद मैं BCE चालू कर रहा हूँ, BCE में भी अगर लास्ट आते आते
चीज़ें हैं भी, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी अगर अवेलेबल है तो, ठीक है। वहाँ पे जाके बीसी भी पढ़ लो। अगले चैप्टर का अगला चैप्टर मैं फर्स्ट चैप्टर चालू कर रहा हूँ, फर्स्ट चैप्टर में अच्छे से कनेक्टेड रहना। मे बी अगर आप लोग एक साल दो साल बाद ये वीडियोस देख रहे हो तो शायद फर्स्ट चैप्टर देखने के बाद यहाँ पे आ रहे होंगे। तो अभी नया नया ताज़ा ताज़ा हिसाब किताब हमने फोर्थ चैप्टर पहला चालू किया है। अब अगर मैं बात करूँ भैया अपने फाइनल पेज की, तो हमें क्या पता है कि ये जो हमारा इंजीनियरिंग केमिस्ट्री है ये हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जितने भी कोर्सेज हैं, ये जितने भी बैचेज हैं, ये सब के सब कहाँ यूट्यूब पे भैया फ्री में पढ़े हुए हैं। कहाँ पे भैया? यूट्यूब में फ्री में पढ़े हुए हैं। B3EE का मुझे कन्फर्म नहीं है कि वो अभी आया है कि नहीं, लेकिन ये बाकी के सारे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री चालू हो गया है, बेसिक फिजिक्स या मैं कहूँ इंजीनियरिंग फिजिक्स चालू हो गया है। मैकेनिकल के भैया ने ऑलरेडी लेक्चर्स बना दिए थे, डाले हुए हैं। बेसिक कंप्यूटर भी आई गेस चालू हो चुका होगा अभी तक, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ M1 और M2 की, बहुत ही ज़्यादा ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें बैक लगती है, 799 में आपको ऐप पे मिल जाएगा। कहाँ पे मिल जाएगा भैया? ऐप पे मिल जाएगा। अगर इसके रिव्यूज़ चाहिए तो अपने कॉलेज सीनियर से मांग लेना। किससे मांगना भैया? अपने कॉलेज सीनियर से मांगना, ठीक है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का बेसिक सिविल एंड मैकेनिकल का भी आपको कोर्स मिल जाएगा। कहाँ पे भैया? एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। अगर आप आईफोन यूजर से तो क्या करोगे भैया? क्लास प्लस डाउनलोड करोगे। क्या डाउनलोड करोगे भैया? क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करोगे। उसमें ORG कोड मांगेगा, ORG कोड मांगेगा। क्या डाल दोगे भैया? वहां डालोगे KAEQL, KQL डाल दोगे, ठीक है। आप सीधा रिडायरेक्ट हो जाओगे किस पे? हमारे ऐप पे, ठीक है। लिंक आपको सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। यार हमारा काम था मेहनत करके आपके लिए ये प्लेलिस्ट बना देना, ये आपके लिए सुविधा बना देना कि आप पढ़ पाओ, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स या फिर बी सी की बात करूँ तो बहुत क्लटर्ड हिसाब किताब है, एक जगह पे आपको सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आपको टॉपिक वाइज सर्च करके यूट्यूब पे पढ़ना पड़ रहा है। उसी चीज़ को इज आउट करने के लिए हमने थोड़ी सी मेहनत कर दी है, लेकिन हमें आपका समर्थन जरूर चाहिए। कमेंट्स में हाजिरी जरूर लगा देना, अपनी अटेंडेंस लगा के जाना कि भैया हम प्रेजेंट हैं। अपना नाम जरूर कमेंट करके जाना। अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले चैप्टर में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।